डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। बच्चों के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं आमतौर पर, क्योंकि बच्चे आ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पेशेंट्स भी हैं आ रहे हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं कि आम लोगों को समझ में आ जाए कि बच्चे को दिक्कत हो रही है या बच्चा वाकई कोविड के संक्रमण से संक्रमित हो चुका है। देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर इस बार की जो वेव है वो बच्चों को थोड़ा ज्यादा इफेक्ट कर रही है, स्पेशली जो बच्चे 11 साल से कम है, इवन 11 से 17 साल के अंदर भी जो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। और चिंता का विषय यह है कि हमारे बच्चे अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है। 41% हमारे देश के बच्चे जो हैं वो 18 साल से छोटे जो हैं वो 41% पॉपुलेशन, यानी कि 55 से 60 करोड़ जो हैं वो हमारे बच्चे ही बच्चे हैं और सबके सब वल्नरेबल हैं। मैं हिदायत ये देना चाहूंगा बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कि आप इसको लॉकडाउन समझ के बच्चों को और बुजुर्गों को अंदर रखिए, बिल्कुल बाहर मत निकालिए। इस वक्त सिचुएशन अभी तक पीक आई नहीं है और आने वाले टाइम में पीक आई। दूसरी चीज अपने तजुर्बे से बता दूं, क्योंकि मैं कोविड अस्पताल चलाता हूं, मेन जो रिसोर्सेस कम हो रही हैं चाहे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए या हमारे पेशेंट्स के लिए, द ओनली रीजन इज पैनिक। आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, हर चीज की प्रोटोकॉल है। मैं जैसे ही एक बच्चे को सपोजिंगली हमने आरएटी का टेस्ट कराया, रेड का टेस्ट कराया, रैपिड एंटीजन, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आप पॉजिटिव हैं, आरटीपीसीआर मत कराइए। आरटीपीसीआर एक बार पॉजिटिव आ गया, दोबारा बहमबाजी में मत पड़िए, दोबारा आरटीपीसीआर मत कराइए। मैं आपके चैनल के ऊपर बता रहा हूँ, लोग दो दो तीन तीन टेस्ट कर रहे हैं और हेल्थ केयर के ऊपर लोड हो रहा है। अपने आप सीटी स्कैन करा रहे हैं, सीटी स्कैन अपने बच्चों का खुद ना कराइए। एचआर सीटी स्कैन के अंदर 200 से 300 एक्सरे जो है वो उनका एक्सपोजर होता है रेडिएशन का, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है, कि उन्होंने आगे भी डेवलप होना है, अगली प्रोजेनी को भी डेवलप करना है, तो अपने हिसाब से मत कीजिए। ब्लड टेस्ट भी मैंने देखा हर दूसरे दिन वो ब्लड टेस्ट लेके आ जाते हैं। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल लोड ना डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, सिम्टम्स क्या देखें सर? हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। अगर आप घरों के अंदर होल्ड करके सिलेंडर्स रख लेंगे कि कभी कोरोना होगा तो हम इमरजेंसी में अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आज जिनको कोरोना हो रखा है जो अस्पताल के अंदर है उनको उनका क्या होगा। और आलम यह है कि कल मैंने 450 फोन अटेंड किए हैं, मतलब वाकई ही लोगों के अंदर जो है पैनिक बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये सुजेस्ट करना चाहूंगा, मेजोरिटी ऑफ द केसेस 90% से ज्यादा बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक रहेगी, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक रहेगी, एडमिट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बच्चों की सिम्टम्स की मैं बात आपके जरिए व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। बच्चों के अंदर एक एंटिटी होती है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसके बारे में कई जनरल डॉक्टर्स को भी नहीं पता। मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही बच्चा ठीक होगा, होने के बाद में उसके शरीर पे रैशेज आ जाते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। पिछले क्लासिकल कोविड में हमने 200-300 बच्चों का लॉस किया है। ऐसी स्थिति में बच्चे को अगर समय रहते आईसीयू पे एडमिट करके ट्रीटमेंट करें, चाहे आईवीआईजी दें चाहे स्टीरॉइड्स दें, तो बच्चों की जान आराम से बच जाती है। तो दे शुड ऑल्सो बी केयरफुल, जब बच्चे का कोविड ठीक होने लगे उस वक्त ये सिंड्रोम जो है इट इज समथिंग लाइक कावासाकी सिंड्रोम, ये सेट इन कर जाता है। बुजुर्गों के लिए भी मैं ये बात बताना चाहूंगा, जितने बुजुर्ग वल्नरेबिलिटी के साथ में हैं, बुजुर्गों को जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, वो अपने आप को बिल्कुल लॉक में लगा लें, वेल वेंटिलेटेड रूम्स रखें। जो लैंसेट की करंट स्टडी आई है उसके हिसाब से रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, क्रॉस वेंटिलेशन होनी बड़ी जरूरी है। अगर हम इन सब एहतियात करते हैं, ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं, हर चीज की प्रोटोकॉल है, ऑक्सीजन पैनिक बिल। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपका रुख कर रहा हूं सर, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा कम शब्दों में मैं ये जानना चाहता हूं पॉइंट दर पॉइंट हमारे दर्शकों के लिए, कि अब जो सिचुएशन हो गई है, अब जो लोग बचे हुए हैं अभी तक, वो अपना ध्यान कैसे रखें, खास करके बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखें, क्या कदम उठाएं? जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आप ये समझ के चलिए कि लॉकडाउन की स्थिति है, बाहर बिल्कुल ना निकलिए। जब आपको लगे जरूरी है अपनी जीविका कमाने के लिए, और वो भी बहुत आवश्यक है, जो काम टेक्नोलॉजी पे मीटिंग्स नहीं हो सकती, फोन पे नहीं हो सकती, तभी आप बाहर निकलिए, नहीं तो पहले तो लॉक कीजिए। जितने वल्नरेबल एज ग्रुप हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब अपने घर के अंदर ही रहें। घर के अंदर रह के आपको 5 काम करने हैं, स्मोकिंग करते हैं बंद कीजिए, अल्कोहल कम कीजिए, एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, अपने आप को सकारात्मक रखिए, और जितनी भी आपकी वल्नरेबल बीमारी है उनको कंट्रोल में रखिए। अस्थमा उसको कंट्रोल में रखिए, डायबिटीज उसको कंट्रोल में रखिए, वेट को चेक में रखिए, और डाइट के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब लें और प्रोटीन लें। इसके अलावा अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आ भी जाता है, पैनिक ना कीजिए, 90-95% आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है,
अपने डॉक्टर की आप सलाह लीजिए, और अगर मौतों को हमें प्रिवेंट करना है तो आप अपनी ऑक्सीजनेशन देखते रहिए, अगर वो 94 से कम आती है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पहले ही बात कर लीजिए, ताकि ये ना हो कि समय बीत जाए और आपकी SpO2 बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, जिस तरह की मेरे अस्पताल में भी लोग आजकल आ रहे हैं 40 की SpO2 पे, तब हम लोग भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे।